हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा मोटो G34 5G फ़ोन है, तो मोटो G34 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर आप कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर फिंगरप्रिंट लॉक कैसे हटा सकते हैं अपने मोटो G34 5G फ़ोन में, और फिंगरप्रिंट को कैसे हटा सकते हैं एंड आप कैसे रिमूव कर सकते हैं फिंगरप्रिंट लॉक को अपने मोटो फ़ोन में। तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि फिंगरप्रिंट लॉक आप कैसे हटा सकते हैं अपने मोटो फ़ोन में और कैसे रिमूव कर पाएंगे, तो बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देखते हैं कि आप स्वाइप करते हैं तो ऑल आइकन से ओपन हो जाएंगे, जिसमें से आपके पास आता है सेटिंग्स का ऑप्शन, और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो फ़ोन में फिंगरप्रिंट लॉक आप कैसे सेट कर सकते हैं और फिंगरप्रिंट कैसे लगा सकते हैं मोटो फ़ोन में, तो सिंपली सेटिंग शो हो रही है, शो हो रही है आपके फ़ोन में, देख सकते हैं। तो सिंपली आपके पास सेटिंग शो हो रही है तो आपको इस पे जाना है सिक्योरिटी पे। सिक्योरिटी पे जाकर जो भी आप फिंगरप्रिंट्स लॉक को सेट करना चाहते हैं कर सकते हैं, और फिंगरप्रिंट लॉक भी लगा सकते हैं फ़ोन में। सिंपली बायोमेट्रिक पासवर्ड पे ओपन करते हैं तो जो भी बायोमेट्रिक पासवर्ड है ओपन हो जाएगा सिंपली, और जो भी फिंगरप्रिंट लॉक आप सेट करना चाहते हैं यहाँ से या रिमूव करना चाहते हैं तो कर पाएंगे, हटा भी सकते हैं फिंगरप्रिंट लॉक को, सिंपली पासवर्ड डालना है। तो फिंगरप्रिंट लॉक आपके फ़ोन में सेट हो रखे हैं तो इनको रिमूव करना है तो सिंपली क्रॉस पे क्लिक करना है और डिलीट पे क्लिक कर देना है। तो फिंगरप्रिंट इस तरीके से आप हटा सकते हैं, डिलीट करते ही हट जाएगा। इस पर भी क्लिक कर देंगे तो यहाँ से डिलीट कर देंगे तो फिंगरप्रिंट आपका पूरी तरीके से हट जाएगा और कोई भी फिंगरप्रिंट लॉक आपके फ़ोन में शो नहीं करेगा, यानी ऑफ हो चुका है। तो इस तरीके से फिंगरप्रिंट लॉक को आप हटा सकते हैं अपने मोटो G34 5G फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार।